Section 62, the Contact Act 1872. Subject: Effect of novation, rescission and alteration of contract. तो इन तीन एलिमेंट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं अल्ट्रेशन, रोवेशन एंड रिसेशन के हवाले से. सेक्शन 62 में हम डिस्कस करेंगे अगर पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद पार्टीज की म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के हवाले से बाय कंसेंट थर्ड पार्टी को ऐड किया जाता है. तो सब्जेक्ट दी एड ऑफ थर्ड पार्टी, तो किस पार्टी की ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज समझा जाएगा और किस पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन बनती है कि ऑन द बिहाफ ऑफ व्हिच पार्टी इज डिस्चार्ज ही विल परफॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उस पार्टी के बिहाफ पे अपने पार्ट को परफॉर्म करेगा जो पार्टी डिस्चार्ज की गई है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से. सपोज ए और बी पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है. ए प्रॉमिस करते हैं टू डिलीवर दी गुड्स, बी पार्टी प्रॉमिस करती है टू पे दी अमाउंट. तो ए पार्टी बी पार्टी को इंडिकेट करती है पेमेंट जो है आपके बी पार्टी के बजाय सी पार्टी से ए पार्टी को अदा की जाए. इस हवाले से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया सब्जेक्ट दी सेक्शन 62 द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जब सी पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में के हवाले से इस ऑब्लिगेशन के हवाले से टू पे द अमाउंट इसके पार्ट को डिस्चार्ज समझा जाएगा, अब इस कंडीशन में सी पार्टी जो है वो रिस्पांसिबल होगी. इस सी पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन बनती है टू पे द अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू ए पार्टी. जब ए पार्टी माल डिलीवर करेगी बी पार्टी को तो कर सकती है ए पार्टी के खिलाफ. लेकिन ए पार्टी बी पार्टी के खिलाफ सू नहीं कर सकती टू पे दी अमाउंट, क्योंकि इसकी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज किया गया है. अब इसकी ऑब्लिगेशन होगी सी पार्टी की ऑब्लिगेशन होगी कि उस पार्टी को पेमेंट अदा करे ए पार्टी को. पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट जिसे हमने टाइटल में डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म. अब जो सबसे फर्स्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के दरमियान इसको परफॉर्म नहीं किया जाएगा, इसकी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सी के दरमियान तो सी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी. तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने रिसेशन के हवाले से उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक किया, रिसेशन किया. अब नया कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा. अब जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टीज के दरमियान ए बी और सी के दरमियान इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाएगा. सब्जेक्ट डिपार्चर समझी गई है, अब सी पार्टी पेमेंट अदा करेगी ए पार्टी को. अगर सी पार्टी अपने पार्ट में फेल होती है टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बी पार्टी को ऑब्लिगेशन नहीं बनती, ए पार्टी बी पार्टी के खिलाफ सू नहीं करेगी बल्कि सी पार्टी के खिलाफ सू करेगी. लेकिन बी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में न्यू कॉन्ट्रैक्ट में ए पार्टी के